बेटा 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें ये बोला है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू, इक्वेशन की वैल्यू बताइए जिसमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन में है। तो बेटा इसको एक फार्मूला होता है, फार्मूला देख लो। यदि क्या दे रखा है बेटा, सम ऑफ जीरो यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू बेटा अल्फा प्लस बीटा है। सम ऑफ जीरो क्या है? अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा है। समझ में आया? यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन हमारा क्या होगा, के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। समझ में आया? या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। समझ में आया? तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकालना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। और उन्होंने गिवन में क्या दे रखा है, गिवन दैट सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो बेटा कितना दे रखा है, फर्स्ट वाला 1/4। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, माइनस का 1। समझ में आया बेटा? तो इन्होंने किसकी वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है। और हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू बेटा के, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? वेयर के यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है। समझ में आया बेटा? अब इसमें वैल्यू बेटा पुट कर देंगे, रियल नंबर है के यहाँ पर। तो बेटा के अपनी जगह पर बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 और इंटू एक्स। और ऐसे बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। कंसेप्ट क्लियर? इसको मैंने क्या किया कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन 4 आ जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ रहे ना बेटा? अब इसमें एलसीएम ले लूँ, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो के एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये समझ में आया कैसे हुआ? 4 हमने क्या कर दिया, के अपॉन में रख दिया इसको, हाँ के अपॉन में कर दिया, बाहर कर दिया 4 को, क्योंकि सबके अपॉन में है और के सबके इंटू में है। तो ये दोनों ऐसे लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते, 4x² माइनस का एक्स माइनस 4। बोलो, 4 को मैंने साइड पे कर दिया, के अपॉन में कर दिया, और के यहाँ पर 4 क्या है, रियल नंबर है। तो बेटा रियल नंबर है तो इसे हम हटा भी सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, शॉर्ट फॉर्म क्या बचेगा, 4x² माइनस का एक्स माइनस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
बेटा समझ में आया, पोस्ट करो। तो बेटा इसमें जैसे k अपॉन 4 आया है, तो k यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है, तो k की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एक कंडीशन ऐसी होगी कि k की वैल्यू, जैसे सपोज दैट मैंने माना कि 4 है, k की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 अपॉन 4 बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का इंटू करेंगे इसमें पूरे में, तो j पूरा आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इट्स इसके जो भी रूट्स होंगे आप इसमें भले ही आप एट का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड बोथ साइड, तो इसके रूट्स वही आएंगे जो पहले आएंगे। यदि सपोज दैट इसके रूट्स अल्फा और बीटा आ रहे हैं, तो भले ही आप 8 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो भी अल्फ़ा और बीटा ही रूट्स आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 है इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो बात को? तो इसके रूट्स क्या आएंगे, x इक्वल टू 2 आएगा, कितना आएगा 1/2 और 1/2 सपोज। अब आप भले ही 8 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करोगे, तो अभी बेटा रूट्स जे ही आएंगे, रूट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बेटा इसके रूट्स भले ही के अपॉन 4 का मल्टीप्लाई कर दो, एक के अपॉन 4 क्या है, रियल नंबर है, आप इसका दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो भी रूट्स वही आएंगे जो इसके रूट्स होंगे। तो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स बेटा क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हैव यू गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? एक जी क्या है, के एक रियल नंबर है, के एक रियल नंबर है, तो के इस अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर के की वैल्यू होगी। सपोज दैट यहाँ पर 4 है, तो जैसे 4 है अभी, सपोज दैट क्या 4 है ही, तो के की वैल्यू 4 होगी, तो 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो 1 हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसी होगी तो 1 हो जाएगा। और वैसे भी आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, रूट्स चेंज नहीं होते हैं, रूट्स वही रहते हैं जो इसके रूट्स होंगे, वही आप चाहे 1/4 कर लो, चाहे 2/4 कर लो, लेकिन रूट्स वही रहेंगे। हैव यू गॉट इट? क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड देखिए, सेकंड में गिवन में क्या दे रखा है, √2 1/3। समझ में आया? यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है क्या, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा 1/3। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो के अपनी जगह पर बैठा हुआ है। के किस लिए, कि डिनोमिनेटर में जो भी कुछ आए उसको हटाने के लिए, उसको कट करने के लिए। समझ में आया? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें न्यूमिनेटर में चाहिए। तो बेटा के एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर बैठा हुआ है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, और जे एक्स हो जाएगा प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1/3। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, समझ रहे ना बात? तो इसको क्या करेंगे हम, के इसको एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो 1 का डिवाइड दिया 3 बार जाएगा, 3x स्क्वायर, 1 का फिर डिवाइड दिया फिर 3 बार जाएगा, और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? अब जो 3 है, 3 हम किसके अपॉन में ले आएंगे, के के अपॉन में ले आएंगे हर बार, कुछ होगा तो भी ले आएंगे, और नहीं भी होगा तो फिर क्या ले आएंगे, तो कुछ नहीं होगा तो 1 होगा बेटा, तो 1 तो भी के एक रियल नंबर होगा, के की वैल्यू 1 होगी तो बाहर हो जाएगा। तो बेटा कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? और के अपॉन 3 क्या है एक बेटा, रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो के की बेटा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, के की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एक कंडीशन ऐसी होगी के की वैल्यू 3 होगी, तो 3 से 3 कट जाएगा बेटा, तो कितना हमारा बचेगा, यही बचेगा। और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, रियल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर उसके रूट्स में क्या होगा, नो चेंज होंगे, रूट्स चेंज कभी नहीं होते, जो रूट्स इसके आएंगे वही मल्टीप्लाई करने पर भी आएंगे। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू बेटा बचेगा हमारा क्या, 3x² माइनस का 3√2x+1, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। पॉज करो। क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड का थर्ड देखिए, इसमें सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5। ठीक है बेटा, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, k अपनी जगह पर है, ये तो फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो k यहाँ पर कितना आ जाएगा, x² ये पूरा 0 हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा √5 बचेगा, समझ में आया। अब इसमें बेटा अपॉन में कुछ नहीं है तो LCM नहीं लेना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, k इक्वल टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर उसके रूट्स में चेंजेस नहीं होता है, तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इक्वल टू x² + √5, ये आपका फाइनल आंसर है। कर लोगे ऐसे बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ वाला कर लोगे, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो कितना बेटा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरो की जगह पर k x² माइनस कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस कितना 1/4, तो बेटा k अपनी जगह पर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1/4। अब इसमें सही तो है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 4 और 4 का एलसीएम लेंगे अब, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा एलसीएम, ये बार बैठा हुआ 1 का डिवाइड दिया 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर इंटू होगा, 4 का डिवाइड दिया 1 का इंटू करेंगे तो x आ जाएगा, 4 का डिवाइड 1 आया, तो बेटा 4 जी किस में है, के अपॉन 4 के अपॉन में चला जाएगा, 4x² + x + 1, समझ में आया। तो यहाँ पर के अपॉन 4 है वो क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर का हम किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर उसके रूट्स चेंज नहीं होते हैं, तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x² + x + 1, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हैव यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 देखिए, 2.2 का 6 वाला, इसमें सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा कितना दे रखा है, 1, इसमें 4 और 1 दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वल टू के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो बेटा k अपनी जगह पर है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, 4, x अपनी जगह पर है और 1, इसमें देखो बेटा अपॉन में नहीं है, तो बेटा k इक्वल टू क्या है, एक रियल नंबर है, और रियल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर उसके रूट्स में चेंजेस नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें x² माइनस 4x + 1, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका फाइनल आंसर, नोट करो इसे।